कहते हैं अब तब लोग उम्मीदा क्या तब कह रहे थे हो गए 11 बजे हुआ आपको क्या हो गया दोबारा आते हैं अस्सलामुअलैकुम गाइस कैसे आप सब लोग उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे आपका भाई जे के आपकी खिदमत में हाजिर है। अच्छा तो भाई लोग आज कुछ सीन ऐसा है अभी हालत बड़ी ख़राब हो गई चेक कर सकते हो। तो दूसरा सीन ये है यार अभी ना आज सैटरडे है सैटरडे नाइट है बल्कि तो लोंडो का सीन बन रहा है आज ना ट्रैक पे चलते हैं। ये देखो मेरे भाई मेरे पास आ चुके हैं ये भाई अपना तारुफ कराओ जरा क्या नाम है भाई आपका। मेरा नाम जुहैर। यार ये फारक बंदे इनको बोलना नहीं आता यार कोई बंदा कॉमेडी करता है कोई नाच गाना करके दिखाओ ऐसे डुचुक करके दिखाओ। अच्छा इनको इग्नोर मारो यार बाकी सीन ये है कि आज ट्रैक पे जा रहे हैं और लोंडो के साथ ही सीन है अभी फिलहाल आपको बस अपडेट रखेंगे बड़ा मजा आएगा आज आपको इन्जॉय करेंगे। तो यार गाइस उतनी देर हम लोग ना ऐसा करते हैं हम रेडी हो जाते हैं। रेडी होने का सीन ये है कि भाई अपना नहा धो के पूरा स्नैक्स की शर्ट चेंज करके और उतनी देर तुम्हारे बॉयज़ भी आ जाएंगे। बॉयज़ अभी फिलहाल ये साहब जी जोहर साहब आए हैं अभी बाकी माँ साहब का भी शिद्दत से वेट है और राफे भाई का भी शिद्दत से वेट है पता नहीं यार किधर रह जाते हैं अजीब बंदे हैं यार दोस्त नहीं सही यार भैंस दोस्त ये नहीं करने यार टाइम पे नहीं आते यार पता नहीं क्या पहन। अच्छा खैर हम तब तक रेडी शेडी हो जाएं तो फिर इमाज भाई की नाडो हम बाहर निकालेंगे नाडो पे फिर हमने ट्रैक मारना रन मारने बड़े बड़े आई जी। तो भाई लोग अब हम रेडी हो गए चिकने बन गए और अब हम तैयारी करने लगे हैं जाने की। आपको एक चीज़ दिखाते हैं जाने लगे भाई लेटा लेटा सो गया मैं नहाने को सब जेर भाई की आंख लग गई है उठे वो पागल है यार। यार गाई ऐसी वाह ऐसे दोस्त रखे अब यार अब नहाने क्या चले गए सो ही गए यार अगला लेटा लेटा यार हद नहीं हो गई। चलो यार इमाज भाई को कॉल शॉल कर दिए तो अभी इमाज भाई को कर दिया कि नाडो बाहर निकालते हैं फिर आपको मिलते हैं वहाँ जाकर। अच्छा तो यार एक चुस्स बज गई है चुस्स ये बजी ये देखो दाना निकला है यार दाना ने काम खराब कर दिया है और ऊपर से नहाने गया हूँ ऊपर से जनाब साहब छिल भी गए हैं टॉवल से अब मज़ा नहीं आ रहा है। चलो खैर है इसको इग्नोर मारना बाकी लेट्स गो वाला सीन है। यार तो गाइस मैंने सोचा ज़्यादा ज़्यादा बादशाह बना लें ज़रा सेटिंग शूटिंग कर लें ड्रायर वगैरह मार लें और एक साथ ही मेरा बड़े स्प्रे पड़ रहा था ये वाला आपके भाई का फेवरेट एक्स है ये भी लगा लिया जाता ओ आपको पता है ना यार तो समझा करो डी एच ए जा रहे हैं ट्रैक पे कुछ कुछ भी हो सकता है कुछ भी हो सकता है। भाई कौन खाने आए हो क्या खाना है ये रहने दो ये लो सीटी बहुत मजा गया बहुत मजा गया कन्फर्म लानती है कन्फर्म लानती है कन्फर्म लानती यार भाई किधर रह गए थे यार इतनी देर है तुम्हारा इंतजार कर रहे बाहर हमारी कौन खत्म हो गई है यार खा खा के। फाइनली अभी हम अपनी जेल ही बाहर निकालेंगे ट्रैक के लिए रेडी करेंगे समझो ना रास्ता भूल गए ठीक है अब ये हमारे बड़े प्यारे भाई ये बाजा भी बजा लेते हैं अच्छा ये जो आपको पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक देखना है ये बस यही कर सकते हैं पार्ट टाइम नाइट पे बैठ के ढोल बजाते रहे पीछे म्यूजिक इनका ही चल रहा था यार। तो भाई सीन कुछ यूँ हुआ है इस टाइम हम ट्रैक पे खड़े हैं पर इस दफ़ा ना वो पीछे आपको शायद नज़र आ रहा हो नहीं नज़र आ रहा होगा नाका लगा हुआ है बहुत हैवी किस्म की सिक्योरिटी है सिक्योरिटी इतनी हैवी लोडेड है कि आप यहाँ पे एक छोटा सा स्पिन भी नहीं मार सकते आज इतना हैवी निज़ाम उन्होंने किया हुआ है। इमाद भाई का मुँह देखें बेचारा इतना 2000 का फ्यूल साड़ के बैड बॉय पर फ्यूल साड़ा
फिर हम यहाँ तक पहुंचे और मैं इसकी दूंगा कैसे उन्होंने यार रोड बंद किया हुआ सारा नकल लगा हुआ बंदा पूछे अबे तुम्हारे की सड़क है यार जीप है ले यार आज भाई क्या तासुरा था भैंस के 2000 रुपए का जब पेट्रोल सड़ा है क्या कहना चाहोगे आपके सामने जरा जरा जल्दी जल्दी बोलो माम का इतना टाइम नहीं होता लपड़ मारूंगा जल्दी बता जल्दी बता भाई ये भाई छोटा सा रन मार रहे हैं बैड बॉय आगे छोटा सा रन चल रहा है बॉस जिसने फनकारी करनी है उसने करनी है तो आप भी करो ना यार क्या करने आए उधर पे ये एमसी देखने आए हो क्या बात है फॉर्च्यूनर के बाहर बॉयज खड़े हैं डिग्गी इनको बड़ा मजा आना यार इस टाइम फुल हैवी माहौल वाला ट्रैक तो मिला नहीं है मिनी ट्रैक मिल गया है उसमें अभी गुजारा कर रहे हैं बाकी भूख बड़ी फिट लग गई है अभी बॉयज ने सारा डिसाइड कर लिया है क्या खाना पीना है तो अब इसके बाद हम डिनर के लिए जाएंगे देखते हैं क्या डिसाइड होता है इनका आ गया बैठ जा डाला आ गई यार जब सारी वाम खड़ी थी सारी भाग गई इस टाइम समझ नहीं आया सीन क्या हुआ एकदम डाला जी आए और सारे जितने भी लोंडे छोंडे खड़े थे सारे भाग गए ये खड़ा डाला ये बत्तियां नजर आ रही होंगी आपको ये पुलिस वाले ने गाड़ियां रोक ली सारी ये साहब जी खड़े डाला जी और जितने लोंडे छोंडे थे सारे भाग घूम गए वो गए सारी वाम भाग गई यार क्या यार पुलिस बिना जीने नहीं देती यार जी मजा ही नहीं आता यार पुलिस वालों के साथ पता नहीं यार क्या नाम है इनका कराची वालों के पास ही लेके आ गया हमें पता नहीं क्या खिलाएगा यार यार भाई खिलाना गया पहले ये तो बता दो यार ये ठीक है जगह जहाँ पे खिलाएगा क्या मुझे हाँ भाई मांस कराची पे तो लेके आ गए क्या खिला रहे हो सर आप जो बोलेंगे हम खिलाएंगे यार इससे पूछो तो सही हमारे प्यारे भाई हैं ठीक है जो आपने कहना है हम ऑर्डर लगाए हैं यार मुझे ऐसा करो यार 1 किलो चिकन कढ़ाई दो किलो मटन कढ़ाई देखें ये कदम बकरा भी है हमारे पास देखें ये जो आप फरमाइश कर रहे हैं ना इसके लिए आप सामान भी पहले लेकर आए मसाले मसूले लेकर आए ठीक है यार आप रेस्टोरेंट पे आए हो क्या होममेड किचन में थोड़ी ना यार हद होगी यार चिकन का क्या करना है चिकन का मैं बताता हूँ तू बता पहले खिला क्या रहा है इधर आके कायदे आजम के बच्चे क्या खिला रहे हैं डोली फैशन खिला रहे हैं डोली फैशन बंदा पकड़ा हुआ है जिसको रगड़ते हैं आज वो फिर रगड़ा जा रहा है कौन रगड़ा जा रहा है ये अबू जिसकी आप वीडियो बना ओह माय गॉड अबू की शक्ल तो देखा जिन्हें सुखा सिंघाड़ा होता है असल में बात ये 10 मिनट हो गए ऑर्डर दिया ऑर्डर नहीं आ रहा बल्कि आधा घंटा ही हो गया फिर उन्होंने ना टांगे सीधी कर लिया ये देखो इमाम पे कितने तक पहुंच गए आधे रास्ते में टांगे फंस गए दावे भाई छोटे इतने इधर सीट तक टांगे नहीं पहुंची उसकी ये रख के बैठा हुआ यार तो फाइनली हमारा ऑर्डर आ चुका है इन्होंने और बेसिकली ऑर्डर किए थे चिकन चीज़ पराठे तो चिकन चीज़ पराठे छोड़ के पहले उन्होंने बोतलें मंडी को देखो अभी भी बोतल पीने लगा यार हद नहीं होगी यार वैसे यार यार बॉयज सीन ये है खाना छाना हमने खा लिया खाना खा के बॉयज कह रहे हैं थोड़ी सी वॉक करते हैं सीन बड़ा मजे का रात 2 बज रहे हैं और हम एच डॉक वॉक कर रहे हैं यार क्या कर रहे हैं अच्छा वॉक वॉक करके फिर हम गाड़ी में बैठ के लेट्स गो टू होम वाला सीन हो जाएगा घर चलते हैं बस डर बुआ खोल साई यार ऐसे यार मेरे दोस्त हैं मेरा मुझे बाहर खड़ा करके यार दरवाज़ा बंद कर दिया हाथ धोती यार ओह माय गॉड हाँ जी भाई क्या हाल है ठीक हो दूर जितना भी तुम मुझसे वास्ते रे मैं वो तो आदत सी है मुझको ऐसे जीने में जिंदगी से कोई शिकवा ये नहीं है तो जिंदा हूँ मैं इस नील
फैसला है, अब सांस होगा न तेरा, ये दर्द की इंतहा है। हाँ प्यार मेरा तो झूठा सच्चा, मगर ये खुदा है। तन्हाइयों में घुरोया तब जाके मुझको मिला है। दुनिया के रिश्तों में तो होता ही रहा है, लैला और मजनू भी तो एक दूसरे से जुड़ा है। शोक ले तू आज जी ये मेरी, आज भी मैं तेरा ही, आज सूझो होने लगी होशों में रहता नहीं। आ जाने क्यों तू ही तू फिर में बसाए, तेरे बिना जा जीऊं दिख रहे मन क्या सितम, तूने हटाए फिर भी मैं कुछ ना कहूं। यार इमाज भाई आज लिटरली बहुत मजा आया यार, बड़ा मजा आया आपके साथ दोबारा यार। आप ब्लर ब्लल की हो गए हो यार, आप दोबारा सलाम अलैकुम करो यार। ओके भाई फिर ब्लल हो गए हो यार, पैर क्या वो फिर ब्लल हो गए हो यार भाई, क्या कर रहे हो यार भाई, फिर ब्लर हो अब हो गए भाई। अल्लाह हाफिज गाइस यार भाई, बाबा ब्लर हो जा रहे यार, बहुत अच्छा डे स्पेंड हुआ गाइस। ओके यार डिस डिस अल्लाह हाफिज। तो यार ये था आज का हमारा दिन, उम्मीद है कि आप लोग भी इंजॉय करेंगे इस दिन को। चुस्से तो मारी हैं यार बहुत ज़्यादा हैवी बट यार मज़ा बड़ा आया, लिटरली बहुत मज़ा आया। ब्रो ने आज बड़ा इंजॉय करा दिया यार, बाकी उसको अलविदा कर दिया, घर चला गया। अब हम भी घर जाकर थोड़ा सा सोएंगे, फिर जाकर ब्लॉग एडिट करेंगे। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर लाजमी कर देना। ओके बाय बाय।